हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस, मल्टीटेक इवैक्यूल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हम रिव्यू अपने बच्चों से जानने जा रहे हैं कि यहाँ का क्लास कैसा चलता है। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम क्या है जी? अमित। कहाँ से आए हैं? सर, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। कैसे आप यहाँ पे आए? सर, मैं आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वीडियो देख कर यहाँ पर आया हूँ। वीडियो में मुझे अच्छा लगा आपके वीडियो जो भी आप डालते हो, तो फिर सोचा एक बार जाके मिलकर फिर देखता हूँ क्लास लेके। जी, तो थैंक यू इसके लिए। तो आप हमारे वीडियो देख के आए हैं, अब यहाँ पे आप जो पढ़े, यहाँ हमारे एक एक्स स्टूडेंट है, ये पास आउट हो चुके हैं लेकिन आज मिलने के लिए आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इनसे कुछ और डिस्कस कर लिया जाए। तो आपने जो यहाँ की पढ़ाई कैसी लगी आपको? नहीं सर, पढ़ाई यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। जैसे कि मेन तो सर यूट्यूब में बहुत से वीडियोस है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर आके मुझे जो लगा कि एक एक चीज बारीकी से समझाया जाता है, और जो सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाया जाता है, एक एक चीज अगर किसी को नहीं समझ में आता है वो पूछ सकता है। और जैसे कि मैंने पूछा, एक एक चीज पूछा है, मुझे लगता है कि मैंने जितना क्वेश्चन पूछा है किसी ने नहीं पूछा होगा यहाँ पर। तो मुझे सर बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर सीखने को मिला, बहुत ऐसे चीज जानने को मिला जो नहीं पता था, जो यूट्यूब वीडियोस में शायद नहीं मिलता, किसी भी वीडियो में नहीं मिलता। मैंने लगभग बहुत लोगों की वीडियोस देखे यूट्यूब पे, तो बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे आके। और मुझे लगता है यहाँ पर और जो मेरे पास सुन रहे, जो वीडियो देख रहे, उनको भी एक बार आना चाहिए जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आप आओगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा किस तरह से पढ़ाया जाता है। एक बार आए आप लोग और यहाँ पर देखिए कि बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, कोई भी हो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जब आप यहाँ से निकलोगे तो आप बिल्कुल डाउट फ्री हो जाओगे, अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो। आगे का आपका क्या प्लान है यहाँ से जाने के बाद? सर, मेरा प्लानिंग तो यही था सर, मैं दुकान में काम करता था पहले, तो मैं इलेक्ट्रिक लाइन में नहीं था, वो मैकेनिकल जो था, लेकिन प्रॉब्लम्स कंट्रोलर चार्जर में आता था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि वो सीख जाओ कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, मेरा फ्यूचर प्लान तो यही है कि मैं अपने गाँव में एक शॉप ओपन करूँगा रिपेयरिंग का, होगा जो टोटल ई रिक्शा का और जो स्कूटीज है टोटल काम होगा वहाँ पर, वही सोच करके आया था, वही करूँगा इस बार गाँव जाके। थैंक यू वेरी मच। अब आप दादाजी, सर अपना नाम बताएं। मनोरंजन दास मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा तो आप जो यहाँ पे, आप भी लगभग पास आउट हो गए हैं, आपके कंप्लीट करीब करीब हो गया है, तो आप यहाँ से जाके क्या करना चाहेंगे? जहाँ कोई शॉप खोलने का ये किया है हम, तो ये काम सीखा है, जो काम यहाँ सीखा है बहुत बढ़िया से यहाँ सिखाया जाता है, तो इसलिए हम भी चाहते हैं बाद में शॉप काम करें और पब्लिक जो उनका जो गाड़ी वाले हैं उनका हम सर्विस दें। अच्छा अच्छा तो आपने जो यहाँ पे सीखा, आपने जो क्वेश्चन किया, तो क्या आपके सर ने जवाब दिया या नहीं दिया? हाँ सर, सब तो जवाब देते हैं, आप जैसे सा रहे हैं उसके हिसाब, जिससे हम जो हम पढ़े तो उसमें बहुत आराम से बहुत ऐसे यहाँ पढ़ाया जाता है, या क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, लिखा दिया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने का। हम क्लास के बाद क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे हम लोग आराम से करते हैं, क्लास के बाद हम लोग आराम से प्रैक्टिस करते हैं, सर हमको कराए देते हैं, जो भी कुछ हम पूछते हैं सर उसको हमको बोल देते हैं, ठीक इसी तरीका से तुमको करना पड़ेगा, तो जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रोशन लाल सैनी है, मैं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। तो आप यहाँ से पास आउट हो गए हैं, तो क्या एक दो आप चार्जर अभी ठीक किए नहीं किए? हाँ जी सर, मेरा यहाँ से पास आउट है, और मैंने यहाँ से 15 से 20 दिन पहले मेरे कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके जाने के बाद मैंने 4-5 चार्जर ठीक भी किए और वो हो गए हैं मेरे से। लेकिन एक चार्जर इनका खुद का है, इनमें थोड़ा सा ये फंस गए थे, यानी प्रॉब्लम नहीं सूट कर पाए, तो यहाँ पर लाए हैं और हमने उसे ठीक भी कर दिया है। आप क्या, मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं? जी सही है सर, मैंने सर से कॉल करके भी पूछा था इसके मामले में, पर सर मेरे कॉल से समझ नहीं आया, तो मैं वहाँ से इसको यहाँ लेके आया, और सर ने आते ही मेरे इसको देखा और ठीक भी किया इसको। तो जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछते हो घर जाने के बाद, तो क्या फोन के द्वारा आपका फोन रिसीव होता है या नहीं होता है? जी सर, हम फोन करते हैं तो सर हमारा फोन अटेंड करते हैं तुरंत, और क्या नाम से उसका संतुष्ट पूर्वक जवाब देते हैं। वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी हमको सर समझाते हैं। तो आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर, फ्यूचर ये है कि अभी मैं 2 से 5 दिन बाद में अपनी दुकान ओपन करने वाला हूँ। मैकेनिकल काम मैं पहले से जानता था, इलेक्ट्रिक काम मेरे से बिल्कुल नहीं आता था। तब मैं यूट्यूब पे देख देख के सीखने की कोशिश किया, पर मैं सीख नहीं पाया। फिर मैंने सर का वीडियो देखा, तो सर से मैंने यहाँ संपर्क किया आके, और
कोर्स किया, तो कोर्स करने के बाद अब मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ ये काम, किसी तरह की कोई मेरे को समस्या नहीं है। जी आप बताइए, आपका रनिंग क्लास अभी चल रहा है? जी सर। हाँ, ये हमारे अभी रनिंग क्लास के स्टूडेंट हैं, अभी इनका कंट्रोलर चल रहा है, तो इन्होंने कंट्रोलर के बारे में कुछ समझा है या नहीं समझा है, आप अपनी जबानी खुद बताइए। जी सर, हम तो कंट्रोलर के बारे में, ये कंट्रोलर जो आई थी आज किसी कस्टमर की, उसकी तो मोसफेट खराब थी, तो इसकी मोसफेट तो निकाल करके अभी चेंज नहीं किए, खाली मोसफेट निकाल दिए हैं, तो हम इसको चेक करने के बाद ही पता चल गया कि इसकी मोसफेट खराब है। अच्छा, तो आगे अभी जो आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो जो पढ़ाई हो रही है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। अच्छी तरह से आ रहा है? जी सर। क्या आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलता है या नहीं? जी सर, जवाब तो अच्छे से मिल जाती है, उसके बाद कुछ देर के बाद फिर समझ में भी आ जाती है। क्या आप दूसरे को क्या सजेस्ट करेंगे यहाँ के लिए? कोई दूसरा कोई बोलेगा, मतलब पूछेगा, तो हम यहाँ का एड्रेस उसको बोल देंगे, बताएंगे कि वहाँ पे जाइए, वहाँ पे खुद सर है, अच्छी तरह से समझा देंगे, और एक बार में 80% यानी सीख के वहाँ से आ जाएंगे समझ करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने इस रिव्यू में देखा कि हमारे दो पास आउट या तीन पास आउट स्टूडेंट हैं, ये जाने वाले हैं और एक रनिंग क्लास में हैं, तो उनके द्वारा उनकी जवानी आपने सुना है, जो यहाँ पे होता है वो रियल होता है, और क्योंकि मैं बहुत पहले से इस लाइन में हूँ, मैं इन परेशानियों को जानता हूँ, क्योंकि बच्चे को मैं जितना भी बता दूं, समझा दूं, पढ़ा दूं, प्रैक्टिकल करा दूं, वो सारी बातें तो याद नहीं रख सकता, जाहिर सी बात है कि बीच बीच में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा ये मेन मकसद होता है, चाहे वो 8 बजे रात में फ़ोन करे या 10 बजे रात में फ़ोन करे, तो मैं उसका जवाब इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं ये सब झेल चुका हूँ। शुरुआत में मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी आज से 30 साल पहले, लेकिन उसको अभी भी मेरे को एहसास है, इसलिए मैं अपने बच्चों को पूरा साथ देता हूँ, क्योंकि वो यहाँ जब आए हैं तो कुछ सोच समझ के आए हैं, क्योंकि मैं उसको स्टूडेंट नहीं मानता, अपना छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए मैं सपोर्ट करता रहता हूँ। तो वैसे भी अगर आप आना चाहेंगे तो आपके साथ भी ये सपोर्ट होगा और 100% होगा, आप कभी भी आजमा के देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेमेटिक डायग्राम के द्वारा सारा कुछ बताता हूँ, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराई जाती है। अगर स्टेमेटिक डायग्राम नहीं भी है किसी सर्किट का, तो मैं उसे तुरंत स्केच करके बच्चों के सामने ही उसे डिजाइन कर देता हूँ। इसके फायदा ये होता है कि हमारा देख देखते तो जो हम डिजाइन करते हुए देखते हैं हमारे बच्चे, तो वो खुद भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।